कितने बल्ब आपको मिलने बिजली पहुंचाने का वायदा कर रही है और सभी गांवों तक उसने बिजली पहुंचाने का दावा तक कर दिया है। वहीं इस योजना के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों को ठेकेदार ही इसे धता बताते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार ग्राम सभा में खड़ा हूं और यहां पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्हें सौभाग्य योजना के तहत या तो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थी और उन्हें तमाम वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए थी जो इस योजना में शामिल हैं, लेकिन उन्हें ये सुविधा मिल नहीं पाई। आपका इस सौभाग्य योजना के तहत जो बिजली मिलनी थी उससे क्या हुआ, क्या नहीं मिल पाई थी? क्या हुआ अभी क्या बताऊँ, नहीं मिल पाया, सामने घर है नहीं लग पाई, सब कर ये बोले, लेकिन हम दो बारी फार्म भरिए, फार्म तक भरा है नहीं लग पाई। अब क्या कह रहे हैं ठेकेदार, क्या ठेकेदार कहते हैं लग गई कहिया लग गई, अब यह कौन चीज बताओ। कितने दिन से अब सुरंग जब खुला है तब से आज तक इतना टाइम तक दो बारी फार्म हम भरा और गांव में लगा और गांव लगा है, महारे भी लगा है, हमारे घर नहीं लगा है। हाँ। आपका क्या नाम है? आपको इस योजना का लाभ मिला? लगा है, लेकिन सर ना पाइप लगाए हैं और ना हमको कोई बल्ब बुल्ब नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला और मीटर में ढक्कन भी नहीं लगा रहे थे, लेकिन हम लोग पैसे देने से इनकार किए इसलिए नहीं लगा। अच्छा, वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया? तो ऐसे में आपने शिकायत की किसी से? अब किससे शिकायत करें जी, उसी से जाके हम लोग बोले, वो कह रहा है कि अब जब दे दिया अपने पास से लगा लो बल्ब। अच्छा, आपने उसमें जो डिब्बा लगा के गए हैं उसमें डिस्प्ले नहीं है, उनको मैं बोला कि मतलब इसमें डिस्प्ले नहीं, हमारा मीटर कैसे चलेगा? तो बोल रहे हैं और सरकार आएगी दूसरी लगाएगी, हम नहीं लगा पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद में बल्ब मांगा तो बल्ब भी हमको नहीं दिया, वहाँ गए उसके घर पे तो बोल रहा है मैं सांसद और विधायक को जेब में रखता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, जो करना है कर लो। हम लोग बार बार गाँव में हमारे जो है विद्युत संयोजन के फार्म को कलेक्ट करने के लिए इस एजेंसी के अलावा भी हमने हमारे तरफ से मिशन मैनेजर और मिशन एसोसिएट हैं जो गांव में जाके अवेयरनेस का भी काम करते हैं। ये हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं, एसटीओ हैं, जेई हैं और स्टाफ हैं, उनके अतिरिक्त लगाए गए हैं और अवेयरनेस का भी काम वो कर रहे हैं। साथ में तमाम तरह से हम लोग प्रचार प्रसार करते हुए उनको अवगत करा रहे हैं कि यह योजना बिल्कुल निःशुल्क है, कि जो लाभार्थी हैं उन्हें ना तो पूरी तरह से इस योजना के तहत मिलने वाले सामानों को दिया जा रहा है, उनसे पैसा मांगा